क्या सोच रही हो कंगन? किस सोच में डूबी हो या प्रतीक्षा कर रही हो कि वो कृष्ण आएगा और तुम्हारी इन नकारात्मक शक्तियों का अंत कर देगा? एक बार वो हमसे बच गया, अब नहीं बचेगा। बस एक बार वो हमारे सम्मोह खा जाए। मैं भी यही सोचा करता था कि वो परम अवतार मेरे सामने आए और मैं उसका अंत कर दूं। मैं प्रतीक्षा करता रहा और वो मेरे असुरों को मारता रहा। मुझे भय है कहीं तुम्हारी इन शक्तियों के साथ भी वैसा ना हो जैसा मेरे असुरों के साथ हुआ। इसलिए कह रहा हूं, क्रोध नहीं कर्म करो। और वैसे भी ये सिद्ध हो चुका है कि तुम्हारे माता पिता यशोदा और नंद हैं, तो वे जीवित क्यों हैं? कंस, उन्होंने जो अधर्म किया है, जब तक वो स्वीकार नहीं कर लेते, मैं उनकी हत्या नहीं करूंगी। उनके स्वीकार करने या ना करने से ये सत्य बदल तो नहीं जाता। उनके कारण तुम एकांत वन में भटकती रही, ये सत्य बदल जाएगा। दुख सहती रही, ये सत्य बदल जाएगा। इसलिए कहता हूं, प्रतिशोध लो उनसे, क्योंकि जितनी प्रतीक्षा करोगी तुम्हारा प्रतिशोध उतना ही शांत होता जाएगा। तुम सत्य कह रहे हो कंस, अब मैं एक पल भी प्रतीक्षा नहीं करूंगी। एकांगा, मैं जा रही हूं अपना प्रतिशोध लेने। अब तुम्हारे उस माता पिता का अंत करके ही आऊंगी। यशोदा, आप तो शांत हो जाओ। इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, हमने कोई अपराध नहीं किया। यशोदा, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? एक न एक दिन सत्य सबके सामने आ ही जाएगा। सत्य परेशान हो सकता है किंतु पराजित नहीं। आपने उस एकांगो को उग्र तो कर दिया है, पर के ऐसा ना हो कान्हा बाकी उग्रता को धारण ही ना करे। अरे मोरी मैया, एकांगा के भीतर जो उग्रता है, क्रोध है, दुख है, वो उस कान्हा के कारण है। कान्हा चाहे कुछ भी करे, एकांगा की आत्मा अवश्य धारण करेगा। किंतु नंद जी, सब तो मुझे ही कलंकनी कह रहे हैं ना? यशोदा, यही तो संसार है। जो आज तुम्हें कलंकिनी कह रहे हैं, वही लोग सत्य जानने के पश्चात तुमसे क्षमा भी मांगेंगे। हाँ काकी, काका सत्य कह रहे हैं। जिन्होंने आपका निरादर किया, आप पर मिथ्या आरोप लगाया, उसे क्षमा मांगनी ही होगी। किंतु बलराम, अब कोई मुझ पे विश्वास क्यों करेगा? सब तो मुझे ही दोषी मान रहे हैं ना? बाकी क्योंकि अब सबके सम्मुख उसे अपना सत्य स्वीकार करना ही होगा, उसे बताना ही होगा। उसने जो भी कहा वह असत्य था। ये कैसा स्वर है? सारे सर, ये कौन सी रचना है और ये कौन सा असुर है जो इतने सारे सर्प लेकर आ रहा है? आज मेरे और नंद यशोदा के मार्ग में जो कोई आएगा वो जीवित नहीं बचेगा। नंद यशोदा जहाँ भी हो मेरे सम्मुख आ जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ साथ सब लोग मारे जाएंगे। काकी, वो देखिए, वो असुरी आप दोनों का हित करना चाहती है, इसलिए आप काकी को लेकर अंदर जाइए। परंतु बड़ा, तुम उसे रोकोगे कैसे? काका, इन सर्पों से संकट अधिक मुझे नहीं, अभी तो आप दोनों को है। इसलिए आप किसी सुरक्षित जगह पर जाइए। यशोदा, चलो, हमें शीघ्रता से अंदर जाना होगा। नंद जी, आप क्या करें? ये सब तो हमारे घर के अंदर से आ रहे हैं। इतना बड़ा संकट पूरी वृंदावन में सर्प ही सर्प। इसे दाव के बल से नहीं, अभी तो ग्वाले की युक्ति से ही रोका जा सकता है। बालक, कब तक मारोगे इन सर्पों को? जब तक ये नंद और यशोदा को डस डालें, ये रुकने वाले नहीं हैं। बचा सकते हो तो बचा लो नंद और यशोदा को। नंद जी, मुझे इन सर्पों से बचने का कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा। नंद बाबा, आप निश्चिंत हो जाइए, अब दामोदर आ गया है और दामोदर के रहते किसी को कुछ नहीं होगा। आज इन सर्पों को भी ज्ञात हो जाएगा कि दामोदर से उलझने का परिणाम क्या होता है। आओ। अरे नंद बाबा, इतना बड़े संकट! हाँ ग्वाले, शीघ्रता करो, अन्यथा वो अवघर और उसके सर पता नहीं क्या नाच करेंगे। बाबा, ये सर्प तो समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। एक को मारो तो दूसरा आ जाता है। हाँ दामोदर, यही समस्या है। समस्या तो इससे बड़ी है नंद बाबा, क्योंकि मैंने तो यूं ही उपहास में कह दिया था कि मैंने बचपन में बहुत अधिक सर्पों को मारा है। शायद उसी का प्रतिशोध लेने के लिए सब सर्प आ गए। तुम्हारे इन सर्पों के लिए मेरा ये मुदगलिंग वज्र के समान है और इसी वज्र से इन सर्पों के साथ साथ मैं तुम्हारा भी अंत करूंगा। असुरी, मैं समझ गया हूँ, जब तक तुम्हारा अंत नहीं होगा तब तक तुम्हारी इस माया का अंत नहीं होगा। साहस है तो नीचे आकर मुझसे युद्ध करो। बालक, मुझे तुमसे कोई शत्रुता नहीं है, मुझे तो केवल नंद और यशोदा का अंत करना है। तुम मेरे काका काकी की हत्या करने की बात कर रही हो और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें जीवित छोड़ दूंगा? बालक, आज औघर को वो अवतारी कन्या भी नहीं रोक सकती। सर्वदेवता, आप लौट जाओ। देखो, हम नागपंचमी में आपको बहुत अधिक दूध पिलाएंगे। लौट जाओ। दामोदर, काट लिया। दामोदर जी, दामोदर, दामोदर जी। यशोदा, नंद और यशोदा का पूर्ण हो गया एकांगा का प्रतिशोध। अब मैं तुम में से किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगी। अघोर, यह तुमने क्या अनाथ कर दिया? मैं अपने काका काकी को कुछ नहीं होने दूंगा। पहले मैं तुम्हारा अंत करूंगा, उसके बाद जाकर उनकी रक्षा करूंगा। मुग्दलधारी, तब तो सबसे पहले तुम्हारा ही अंत करना होगा। समय में एक ही असुर से लड़ना आता है और मैं इतने सारे सर्पों के साथ एक साथ कैसे लड़ूंगा? अगर आज तुमने अपनी मृत्यु को निमंत्रण दिया है। बालक, मैं तुम्हें ही खोज रही थी। अच्छा हुआ जो तुम भी आ गए। अब एकांगा के सारे संबंधी एक साथ समाप्त हो जाएंगे। शक्तियाँ सच्चे और निर्दोष लोगों का सामना नहीं कर सकती। ये तो विष्णु का सुदर्शन चक्र है। ये तो मेरा अंत कर देगा। मैं वैद्य जी को शीघ्र ही बुलाता हूँ। तब तक तुम काका काकी का ध्यान रखना। मैं सोच भी नहीं सकता था कि कांगा ऐसा अनर्थ करेगी। एक और मेरी बहन है तो दूसरी ओर मेरी माता पिता। समझ भी नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। एकांगा, अंत कर दिया मैंने उन पापियों का जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया था। अंत कर दिया मैंने तुम्हारे शत्रु, तुम्हारे माता पिता का। समाप्त कर दिया मैंने नंद यशोदा को। आज मेरा प्रतिशोध पूर्ण हो गया। मैंने अपने दोषियों को दंड दे दिया। बचपन से ही जिनका अंत करने के लिए मेरी क्रोधाग्नि भड़क रही थी, अब वो शांत हो गई। एकांगा, अपनी इस क्रोधाग्नि को जलाए रखो, क्योंकि तुम्हारा प्रतिशोध अभी पूर्ण नहीं हुआ। अभी तो ये तो प्रतिशोध का एक आरंभ मात्र है। तुम कहना क्या चाहते हो कंस? एक ऐसा पक्षी होता है जो अपनी राख में से पुनर्जीवित हो उठता है। ये वृंदावनवासी वैसे ही हैं। न जाने कितनी बार मैंने इनका अंत किया किंतु मरते ही नहीं। इसलिए कहूंगा, जब तक यशोदा और नंद की चिता अपने हाथों से ना जला लो, मैं मृत मत समझना। कंस, ये तुम्हारी नहीं मेरी नकारात्मक शक्तियां हैं। इनसे किसी का भी जीवित बचना असंभव है। कंस, यदि नंद और यशोदा जीवित भी हैं तो कुछ समय के लिए कुछ समय पश्चात उनका रक्त विष बन जाएगा और स्वतः ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। कुछ समय बचा है। उसी कुछ समय में वो छलिया कान्हा आकर अपनी लीला रच देता है। मुझे तुम्हारी नकारात्मक शक्तियों पर संदेह नहीं है कांगा, मैं तो बस ये बताने आया हूँ कि जब तक यशोदा और नंद के जीवन में ये कुछ समय बचा है, उस बड़बोले कान्हा की बातों में मत आना। मैया बाबा आंखें खोलो, मैया बाबा आंखें खोलो, मैया बाबा मेरे काका काकी ठीक तो हो जाएंगे ना? कान्हा, बलराम, यह आसुरी विष है, कालकूट विष के समान ही घातक। इस विष की कोई औषधि नहीं है। यह क्या कह रहे हैं वैद्य जी? बलराम, मैं क्षमा चाहता हूं, किंतु यही सत्य है। कांगा, तुमने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। अपने निर्दोष माता पिता को अपने ही घृणा से डस लिया। नारायण नारायण, आज एकांगा ने क्या अनर्थ कर दिया प्रभु। अपने ही माता पिता को मृत तय कर दिया, वो भी अपने निरपराध माता पिता को। ये तो अनर्थ हो गया प्रभु, अनर्थ हो गया। देव ऋषि, नंद और यशोदा भले ही निर्दोष क्यों ना हो, किंतु एकांगा के प्रति तो अपराध हुआ है ना। क्रिया की प्रतिक्रिया होना शाश्वत का एक नियम है। जब किसी व्यक्ति के मन में किसी के प्रति कड़वाहट होती है, क्रोध होता है, चाहे वो अपने माता पिता ही क्यों ना हो, तो एक ना एक दिन अवश्य बाहर आता है। प्रभु, यदि समस्या इतनी विकट थी तो समय रहते परम अवतार श्री कृष्ण ने एकांगा के इस क्रोध को शांत क्यों नहीं किया प्रभु? देव ऋषि, क्रोध से भरे पात्र में प्रेम के जल को तब तक नहीं भरा जा सकता जब तक वो पुनः रिक्त ना हो जाए। उसी प्रकार जब तक एकांगा के भीतर नकारात्मक शक्तियों का वास है, तब तक उन्हें प्रेम और संबंध की कोई बात समझाई नहीं जा सकती। नारायण नारायण। एकांगा, तुम्हारा अपराधी मैं हूँ। तुम्हारे साथ हुए अन्याय का कारण मैं हूँ, और तुमने अपने निरपराध माता पिता को दोषी समझकर मेरे अपराध का दंड उन्हें दे दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देखिए ना गुरुदेव, मैया बाबा को क्या हो गया है। वैद्य तो कह रहे थे कि इस विष का कोई उपचार नहीं है। अब मैं क्या करूं गुरुदेव, कैसे रक्षा करूं अपने मैया बाबा की? कान्हा, नंद और यशोदा का जीवन बचाने का एक ही मार्ग है। गुरुदेव, मैं अपने मैया बाबा को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आप बस मार्ग बताइए गुरुदेव। कान्हा, जिस शक्ति ने इन पर आक्रमण किया है वही शक्ति इन्हें ठीक भी कर सकती है, किंतु तुम्हें यह कार्य शीघ्र करना होगा, अन्यथा कुछ भी अनर्थ घट सकता है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे भीतर इतनी महान आत्माएं वास करती हैं। कितना पवित्र! इस श्वेत रंग में तो मैं उस विष्णु से भी अधिक पवित्र लग रहा हूं, है ना चक्रधारी? कितना क्रोधी। कितना तामसिक और बलवान। इतने बहुआयामी व्यक्तित्व का धनी तो भगवान कंस के अतिरिक्त और कौन हो सकता है। भगवान भगवान इन्हीं आयामी रूपों में से एक को उस कान्हा में स्थापित करने की शुभ घड़ी आ गई भगवान। गुरुदेव, इसका अर्थ है कि हमें पाका काकी को ठीक करने के लिए उस एकांगा का वध करना होगा। और हाँ, वो ऐसे तो हमारी सहायता करेगी नहीं, इसलिए मैं जा रहा हूँ उस एकांगा की हत्या करने। दाऊ ठहरिए। दाऊ, एकांगा की हत्या करने से इस समस्या का निदान नहीं मिलेगा। कान्हा, जब से वो एकांगा संकट बनकर आई है, तब से तुम उसी का पक्ष ले रहे हो। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है। हाँ ग्वाले, असुरी का इतना पक्ष क्यों ले रहे हो? जब भी दाऊ से मारने की बात करते हैं, तुम उनको रोकने का कोई ना कोई बहाना बना लेते हो। बोलो कान्हा, क्यों एक असुरी का पक्ष ले रहे हो? मुझे पता है तुम मुझे ऐसे नहीं बताओगे। तो ठीक है, अब वो एकांगा भी नहीं बचेगी।